दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon Prime Video पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों, यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराजगी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon Prime Video पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों, यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो, ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंगबली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon Prime Video पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों, यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो, ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon Prime Video पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों, यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो, ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon Prime Video पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों, यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो, ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों, यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon Prime Video पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों, यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो, ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो, ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon Prime Video पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों, यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो, ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon Prime Video पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों, यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो, ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, केउट जुम्बा, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंगबली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Video पर। जी हाँ दोस्तों, Amazon Prime Video पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों, यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो, ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंगबली पराठे के मालिक ने गोद लिया है, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है, जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए। दोस्तों अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक टू चाइना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट्स बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में तो 16 जनवरी 2009 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी चांदनी चौक टू चाइना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, गॉर्डन लियू, रणवीर शौर्य, किरण जुनेजा, गौरव के चावला आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 3.5 की रेटिंग हासिल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी मूवी साबित रही थी, लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। दोस्तों यह मूवी के गाने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल जी सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बता दूं यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो चांदनी चौक टू चाइना वर्ष 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसका निर्देशन निखिल आनंद ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में यह मूवी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी शानदार ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इस मूवी को देख सकते हैं। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की यह मूवी काफ़ी अलग मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको अक्षय कुमार का एक अलग ही लुक देखने को मिलने वाला है। तो चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर आप अक्षय कुमार की काफ़ी गजब की फाइट देख सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ अक्षय कुमार रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यह मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दो महान सभ्यताओं की इच्छा होगी कि वे कभी मिले न हो। ऐसे में दोस्तों चांदनी चौक टू चाइना मूवी के अंदर इस मूवी के गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी मूवी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित अनाथ सिद्धू को बजरंग बली पराठे के मालिक ने गोद लिया है जिसे दादा के नाम से जाना जाता है। सालों बाद सिद्धू बड़े हुए हैं और सब्जी काटने में माहिर है। जब उसका चीनी मित्र और दार्शनिक चॉपस्टिक उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक मारे गए चीनी क्रांतिकारी लियू शेंग का पुनर्जन्म है, तो सिद्धू झांगे जिले की यात्रा करने के लिए खुद को लेता है जहां उसे एक घातक महिला हत्यारे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सूजी का नाम अर्ध पागल भिखारी से मित्रता करना और वस्तुतः अविनाशी होजो के हाथों अपमान और संभावित मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग इस फिल्म को कोसते और नफरत करते हैं, मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा था। चांदनी चौक टू चाइना मूवी हिंदी में दीपिका पादुकोण सूजी के रूप में बहुत सुंदर थी। पिताजी की भूमिका निभाने वाला वह रोजर लड़का भी कमाल का था। आलोचकों और नफरत करने वाले फिल्म के निर्देशक बारे में सिर्फ नाराज़गी जताई है। यह मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। चांदनी चौक टू चाइना हिंदी मूवी में लेकिन कई बार वह काफ़ी गंभीर भी होते हैं। यह मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी आपके अपने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर। और दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी की कहानी वार्नर ब्रोज पिक्चर्स कंपनी की ओर से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड कंपनी वार्नर ब्रोज ने इस मूवी को बनाया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने को इस प्रकार मिल जाए।